सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। ईद स्पेशल पर आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चाप फ्राई। तो हमने यहाँ 1 किलो चाप ली है और 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चापों को गला लेते हैं। तो हमने यहाँ एक प्रेशर कुकर में इन चापों को डाल दिया है और इसे हम 95% ही गलाएंगे और इसमें डाल देंगे हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और नमक, और डाल देंगे इसमें हम 1 कप के करीब पानी। पानी हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी हम इसमें बहुत कम डालेंगे क्योंकि चापों में से भी कुछ पानी निकलेगा। तो इसे हम 95% ही गलाएंगे, इसे हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे। अगर आपकी चाप ज़्यादा गल जाती है तो इसे फ्राई करने में थोड़ी सी मुश्किल जाएगी, तो यहाँ आप ध्यान रखें और इसे ध्यान से ही गलाएं। तो हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक गलाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चापों को गला लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये चाप 95% तक हमने इसे गला लिया है और बाकी की चाप को हम फ्राई के टाइम पर ही गला लेंगे। तो मसालों में हमने यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च ली है। नमक हम लेंगे यहाँ स्वाद के अनुसार या मसालों के हिसाब से ही हम नमक लेंगे। तो नमक हम यहाँ 1/2 छोटा चम्मच ले रहे हैं क्योंकि हम चापों में भी नमक डाल चुके हैं। 1 टीस्पून हमें यहाँ रेड कलर लेंगे, 1 नींबू का रस हमने यहाँ निकाल लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून हमने यहाँ दही दिया है और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो 1 खाली बाउल में हम ये दही डालेंगे, कसूरी मेथी, नींबू का रस और यहाँ हम ये सारे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक, काली मिर्चें और यहाँ ये लाल कलर और मिर्च। सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे दही के साथ में। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब दही और डाल दिया है क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा सा सूखा लग रहा था। अब इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम ये मसालों में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम दही का ही इस्तेमाल करेंगे और दही से ही हम ये मसाले को बना लेंगे। तो ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह ये चाप उठाएंगे और हाथों से ही हम इसे अच्छी तरह मसाले में लगाते जाएंगे। तो हमने यहाँ ये चाप पर मसाला लगा दिया है और इस तरह हम सारी चापों पर मसाला लगाते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चापों पर अच्छी तरह मसाला लगा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसे रख देते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम ये सारे पीसों को इस तरह लगा देंगे। सारी चापों को डालने के बाद में पैन को हम उठाकर इस तरह से हिला देंगे ताकि ये सारा तेल अच्छे से ये सारी चापों पर लग जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद में अब इन्हें हम पलटेंगे। तो इन्हें पलट कर भी हम थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेंगे क्योंकि चाप तो अपनी गली हुई है, सिर्फ हमें ये मसाला ही फ्राई करना है। तो थोड़ी देर के बाद में हम इसे भी पलट देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद में अब यहाँ से हम इसे पलट कर एक बार और देख लेंगे इस तरह। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारी चापों को फ्राई कर लेंगे। तो सारी चापों को फ्राई करने के बाद में अब देंगे हम इसमें तंदूरी फ्लेवर
तो हम यहाँ एक कटोरी रखेंगे और इस पर रखेंगे हम ये जलता हुआ चारकोल। इस पर आप घी भी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं और इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मंदा रखेंगे। तो 2 मिनट के बाद में हमने यहाँ गैस को बंद कर दिया और इसमें ये स्मोकिंग फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका है। अब यहाँ हम इसे निकाल लेंगे।